क्लास 12 हमने द लव एक्सचेंज स्टार्ट किया था. द लव एक्सचेंज में हम लोग ने बेसिक्स देखा, फिर बिल रिटेल करने की एंट्री देखी है, रिबेट्स भी देखी है. अभी हम सेकेंड पार्ट पे चल रहे हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ द लव एक्सचेंज. मैंने आपको एक लिस्ट बना के दी थी कि बिल के साथ में क्या क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एंट्री चेंज होती है. जस्ट एक बार कोई रिविजन कर लेते हैं. जब बिल रिटेन करते हैं तो एसेट्स को एंट्री नहीं आती है. स्टार्टिंग की दो कॉमन एंट्री थी, एक सेल परचेस की, एक बिल मिला बिल दिया. सेल की एंट्री आती है ट्रॉवर क्यूब में, परचेस की एंट्री आती है ट्रॉवी क्यूब में. ट्रॉवर ट्रॉवी कौन होता है? ट्रॉवर जो गुड्स सेल करता है, जो बिल बनाता है, और ट्रॉवी जो गुड्स परचेस करता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है. तो अभी बिल रिटेन हो गया, ड्यू डेट पे या तो वो ऑनर हो जाएगा या डिसऑनर हो जाएगा. तो हमने ऑनर एंड डिसऑनर की एंट्री भी की थी. अब सेकेंड केस में क्या होता है कि जो बिल होता है वो ड्यू डेट तक नहीं रखता है ड्रॉवर. वो सोचेगा कि मेरे को पहले पैसे चाहिए. जैसे अगर मैंने बिल बनाया, एक सेकंड, सपोज बिल मैंने आज बनाया 1st अप्रैल 2020 और 3 मंथ बाद ड्यू है, तो 3 मंथ यानी ड्यू डेट क्या निकलेगी अपनी? 30 डेज ऑफ ग्रेस. तो 4 जुलाई को पैसे बनाया. इन बिटवीन अगर ड्रॉवर को लगता है मई में, सपोज 1st मई में उसको पैसों की जरूरत है, अब वो ड्रॉवी के पास तो नहीं जा सकता. यहाँ पर नाम में बहुत इधर उधर हो जाता है, तो ड्रॉवी के पास तो नहीं जा सकता है, ये ड्रॉवर है. ये क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा, 1st मई को जा रहा है बैंक के पास. बैंक को बोलेगा कि आप ये बिल दो. सपोज बिल था 36,000 का, तो बैंक ने आपको बोला कि आप 36,000 का ये बिल दो, मेरे को अपना पैसा दे दो, और ड्यू डेट पे, ड्यू डेट तो भाई 4 जुलाई, 4 जुलाई को आप जाना ट्रॉवी के पास और पैसे ले लेना. और इनकेस अगर वो नहीं देते तब केस कर लो, क्योंकि आपके पास बिल है. अब बैंक ने बोला भाई मैं 1st मई को बिल दे पैसे दे रहा हूँ, मुझे मिलेगा 4 जुलाई को, 2 महीने के लिए कुछ तो चार्जेस कट करूंगा. तो वो चार्जेस सपोज 1,000 कट किया और बैंक ने आपको क्या देना? 35,000 रुपीस. अभी जो एक्स्ट्रा चार्जेस कट किया 1,000, उसको बोलते हैं डिस्काउंट. तो अभी हम जब एंट्री करेंगे तब ये वर्ड यूज करेंगे, डिस्काउंट. डिस्काउंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिल कम अमाउंट पे हमको वापस पैसा दे रहे हैं. 36,000 का हमने बिल दिया, बैंक ने हमें 1,000 कमीशन कट किया, बट इसको बोलते हैं डिस्काउंट. और हमको कितना मिल रहा है? 35,000. अब कभी कभी तो ये डिस्काउंट सीधे सीधे दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया. जब नहीं दिया जाता है तब ये फॉर्मूला फॉलो करता है. डिस्काउंट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा? 36,000. रेट आपको रेट दी जाती है 10% पर एनम या 5% पर एनम. पर एनम मतलब पूरे साल का. सपोज 10% इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड. अनएक्सपायर्ड पीरियड मतलब बैंक ने हमको कितने दिन का एडवांस दिया. बैंकों का मिला बिल 1st मई को. बैंक को वापस पैसा कब मिलने वाला है? 4 जुलाई को. तो 1st मई से लेकर 4 जुलाई तक बिल का कितना पीरियड बाकी है वो काउंट कर रहे हैं, उसको यहाँ पर लिखना है. अगर डेज में आता है तो डेज से डिवाइड कर रहे हैं, मंथ में आता है तो मंथ से डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पर लोग मैंने 1/5 लिखा. अगर मैं एग्जाम्पल में 4th मई ले लूंगी, 4th मई टू 4th जुलाई तक 2 महीने, तो हम यहाँ पर 2 मंथ लिखते हैं, नीचे 4 जुलाई लिखते हैं. और अगर कुछ और डेट होती तो हम मंथ वाइज काउंट करते, क्योंकि डेट टू डेट मैच नहीं करती, तो मंथ वाइज नहीं आता, सॉरी डे वाइज काउंट करते. सपोज अगर मैंने इसको 1/5 ही रहने दिया होगा तो मुझे मई के दिन, जून के दिन, जुलाई के ये 4 दिन सब मिलाकर कितने डेज होते हैं वो यहाँ पर लिखना पड़ता है. और अकॉर्डिंगली लीप ईयर, जहाँ लीप ईयर के हिसाब से या तो 365 से डिवाइड होता है या तो 366 से डिवाइड होता है. और फिर जो अमाउंट आता है ये सब कट के रखने के बाद, उसको बोलते हैं डिस्काउंट. मोस्टली समय आपको डायरेक्टली दिया है कि बिल कितने का है और बैंक आपको कितना पैसा दे रहा है, डिफरेंस आपका डिस्काउंट हो जाएगा. सिर्फ एक हाथ सम होंगे जिसमें नहीं दिया जाएगा. तो जब ये आएगा तभी ये चीजें हम लोग करेंगे. तो अभी हम पहले सबकी एंट्रीज देख लेते हैं. आई होप आपको ये डिस्काउंट क्या होता है वो क्लियर हुआ. डिस्काउंट मतलब बैंक आपको एडवांस में पैसे देंगे, बिल की डेट से पहले देंगे. तो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है कि ड्रॉवी जो होता है ना उसको कुछ नहीं करना है. बिल के साथ जो कहते हैं रीडिंग करो, डिस्काउंट करो, इंडोर्स करो, यहाँ पर आ जाएगी एंट्री. इसकी है डिस्काउंट की. पहले की दो एंट्री आएगी, परचेज सेल की आएगी, बिल मिला उसकी एंट्री आएगी. उसके बाद 3rd एंट्री से स्टार्ट होगा, बिल के साथ क्या गया? डिस्काउंट. ड्रॉवी नो एंट्री. अब ड्रॉवर को क्या मिल रहा है? पैसा, कैश और बैंक अकाउंट. और भी इसका थोड़ा कमीशन जब कट भी रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो ड्रॉवर को तो नुकसान है, और नुकसान हमेशा डेबिट में. यहाँ पर लिखाइए डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल क्यों? बिल इसके हाथ से गया बैंक के पास. अगर हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा बिल जो था वो 36,000 का था,
और बैंगरी का मिलता है 35,000 का और डेबिट क्रेडिट कार्ड होगा सेम आना चाहिए 5+1 36,000। इंट्री क्या होगी डिस्काउंट की, पैसा आ रहा है ड्रॉवर के पास, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट उसका नुकसान हो गया, मिल गया बैंक के पास, ड्रॉइंग लास्ट ड्यू डेट तक वेट करेगा तो इंट्री पास नहीं जाने वाला। अब ये जो डिस्काउंटेड बिल है ऑनर होगा या डिस्काउंट होगा, अब ऑनर हो गया तो ड्रॉवर को क्या करना है, कुछ नहीं, बैंक के पास बिल था बैंक ले लिया ड्रॉवर के पास पैसा ले लिया, ड्रॉवर को तो कुछ नहीं करना, उसको तो ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, तो इनकेस अगर ऑनर हो जाता बिल तो ड्रॉवर की बुक में आएगी नो एंट्री, जिसको ऑलरेडी पैसा मिल चुका है उसके पास बिल भी नहीं है तो ये कोई एंट्री नहीं करना। अब बेचारा जो ड्रॉवी है वो सेम एंट्री, बिल कौन लाया उससे कोई मतलब नहीं है, उसको उसको बिल मिल रहा है बिल्स पेबल अकाउंट पे और उसको क्या देना है पैसा, तो टू कैश और बैंक आपको लास्ट टाइम बोला था कि ड्रॉवी जो ड्रॉवी होता है उसके केस में ऑनर डिसऑनर सब एंट्री सेम ही रहती है, भले ही वो डिस्काउंटेड हो लॉस हो कुछ भी। अब यहाँ पर 36,000 का मिलता, ये 36,000 ही देगा, यहाँ पर एंट्री 36,000 ही आएगी, ड्रॉवर को पैसा कम मिला इसका मतलब ये नहीं कि ड्रॉवी भी कम अमाउंट की एंट्री होगी, ड्रॉवी को तो 36,000 ही देना है, बैंक को डबल फायदा होता है, 1,000 उसने ड्रॉवर से ले लिया और एक्स्ट्रा 1,000 ड्रॉवी से भी ले लिया, तो बैंक बिल को डिस्काउंट करती है बहुत सारे केसेस में। तो ये हो गया ऑनर की एंट्री, सॉरी मैं ऑनर की एंट्री करती हूँ बिल दे दूँ बिल्स पेबल एग्जाम्पल है। अब ये ऑनर हुआ था तब तो नहीं, इनकेस अगर डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर विदाउट वोटिंग चार्जेस, एनसी मतलब वोटिंग चार्जेस, आप लोग लास्ट टाइम बताया था वोटिंग चार्जेस क्या होता है, जब भी बिल डिसऑनर होता है तो वकील सबको लिखवा के लेना पड़ता है कि भाई ये बिल डिसऑनर हो गया, ड्रॉवी पैसा नहीं दे रहा है, अब मैं इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगा, तो यहाँ पर वो भी रूटिंग चार्जेस नहीं लगा है, सेकंड केस में अगर रूटिंग चार्जेस लगता है तो पहले आता है ड्रॉवर और ये है ड्रॉवर। अब ड्रॉवर का क्या हो गया, उसको जो बिल है पैसा उसको बैंक ने दिया तो बैंक को उसको वापस पैसा भी देना पड़ेगा और बिल भी उसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा, ड्रॉवी से इसको लेना है और बैंक को लेना है, देखिएगा ड्रॉवी का ड्रॉवी से मुझे पैसा लेना है ड्रॉवी अकाउंट पे और देना किसको बैंक को, क्योंकि बैंक ने जो पैसा दिया है बैंक अपना नुकसान तो नहीं करेगी ना, बैंक अपने पैसे ले लेगी वापस, तो इसको ड्रॉवी से लेना और बैंक को पैसा दे देना, क्योंकि जो डिस्काउंटेड बिल था वो डिस्काउंटेड डिसऑनर मतलब ड्रॉवी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक वापस आया ड्रॉवर के पास और बोला भाई अब मेरे पैसे वापस दे दे क्योंकि ड्रॉवी तो नहीं दे रहे, तो ड्रॉवी के ऊपर जो केस करना है कर जो करना है कर, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पैसे वापस चाहिए, तो ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी का अकाउंट फिर से डेटर की लिस्ट में डाल देगा और बैंक को उसके पैसे दे देगा, फिर वो ड्रॉवी पे केस फेस करते रहेगा। अब ड्रॉवी क्या करेगा, इसको एनी हाउ बिल को कैंसिल करना ही है, तो बिल्स पेबल अकाउंट पे क्योंकि बैंक ने बिल को वापस पकड़ा दिया क्योंकि बिल वगैरह नहीं है हम लोग, टू ड्रॉवर इसने क्या किया, ड्रॉवर को वापस क्रेडिटर की लिस्ट में डाल दिया। अब बिल वापस इसके पास आ गया या बैंक ने ड्रॉवर को दे दिया ऐसा कुछ लिटरल मीनिंग मत देना, बिल कैंसिल कर रहा है बिल्स पेबल कैंसिल करना है और ड्रॉवर को वापस क्रेडिटर की लिस्ट में डालना। यहाँ पे सबसे अच्छे से याद कैसे रख सकते हो, अब भले लॉसी हो या डिस्काउंटेड हो उसमें क्या करना है, किससे लेना है किसको देना है, यहाँ पर ड्रॉवर को हमेशा ड्रॉवी से ही लेना होता तो हमेशा हर केस में यहाँ पर ड्रॉवी ही आएगा और यहाँ पर टू बैंक टू इंडोसी जो भी हुआ है उसके हिसाब से आता रहेगा, डिस्काउंट के टू बैंक और ड्रॉवी के ऊपर सेम एंट्री आती है भले वो रिटेल हो डिस्काउंटेड हो कुछ भी हो, बिल कैंसिल करना तो मिल गया उसको ड्रॉवर। अब अगर नोटिंग चार्जेस के साथ में डिसऑनर होता है सेम एंट्री आई थी ड्रॉवी से लेना है इसको टू बैंक ₹100 नोटिंग चार्जेस भी पे किया तो वो भी देते, ये क्या बोलेगा कि मैं ड्रॉवी से 36,100 लूंगा और बैंक को 36,100 दूंगा, एंट्री का डिफरेंस नहीं है अमाउंट का डिफरेंस, ड्रॉवर ने जब नोटिंग चार्जेस नहीं दे
तो 36 जितना बिल अमाउंट था उतना ही बैंक को दे, जब लोडिंग चार्जेस थे तो उसने बैंक को दिया 36,100 और ड्रॉवर अपना नुकसान नहीं करेगा, ट्रॉबी से वसूल करेगा 36,100। ये स्कीम में ही है ड्रॉवर। अभी ड्रॉबी सेम एंट्री जो रिटेन में थी, ड्रॉबी के लिए लोडिंग चार्जेस क्या है, नुकसान, नुकसान कहा जाता है डेबिट। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, लोडिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, पीजी एंट्रीज हमेशा रिवाइज करना, लास्ट तक कुछ याद ही रहता है इसमें, सब कंफ्यूज हो जाते हैं ड्रॉवी ड्रॉवर ड्रॉवर क्या था, जैसे मैंने बोला है वैसे ही याद रखना। ड्रॉवी की बुक में हर टाइम एंट्री सेम ही आती है, उसको बिल मिलेगा, ड्रॉवर का नाम वापस वो क्रेडिटर के लिस्ट में डाल देगा। ड्रॉवी ड्रॉवर जो होता है वो हमेशा ड्रॉवी से लेगा और जिसके ऊपर बिल दिया रहेगा उसको वापस पे करें, तो टू बैंक टू एजेंसी, अगर रिटेन है टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये हुआ आपके जो डिस्काउंटिंग बिल है उसके 4 केसेस, पहला जब बिल डिस्काउंट किया तब क्या एंट्री करनी है, फिर अगर बिल डिस्काउंटिंग हॉनर हुआ तो एंट्री क्या आएगी, डिसऑनर हुआ विदाउट नोटिंग चार्जेस और विद नोटिंग चार्जेस। अभी हम इसका एक सम देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। हमने डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल की जो एंट्रीज लिखी थी उनको लिखना है एडजस्टमेंट बुक में, इससे पहले जो बिल मैंने लिखा था वो एडजस्टमेंट बुक में लिखा है, वो डिस्काउंट का फॉर्मूला डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल की सारी एंट्रीज। अभी चालू करें अपना क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 268 पर, आपको हर एक कंडीशन के लिए एक एक छोटा छोटा सम दिया रहेगा, एक एक सम करते रहते तो आपको क्लियर हो जाएगा, और जो मेन सम आता है वो एक एक कंडीशन में नहीं आता, उसके अंदर सारी कंडीशन मिक्स होकर रहेगी, तो आपकी मेन सम जब सारी कंडीशन खत्म हो जाएगी तब से शुरू होगी, तब मैं आपको होमवर्क देना शुरू कर दूंगी। तो अभी हम लोग डिस्काउंटिंग का एक सम कर रहे हैं, अजिंक्या ओस 45,000 वो अश्विन, इन केस अगर आपको उसका मतलब नहीं समझ आए सेकेंड लाइन में क्लियर हो जा रहा है। ऑन 12 July 2019 अश्विन रिसीव्ड क्रॉस चेक, अश्विन को पैसा मिला मतलब अजिंक्या को देना था, तो अजिंक्या कौन हो गया, देना था पैसा तो ट्रॉफी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ट्रॉफी। अब यहाँ पर है ना सामान खरीदा बेचा नहीं, यहाँ पर पहले की उधारी चल रही थी, अजिंक्या क्या है पिछले साल 45,000 लिया रहेगा, अभी वो पे करेगा तो अभी वो बिल दे रहा था, हमारी सेल परचेस की नहीं आई थी, अश्विन कौन हमारा ड्रॉवर, तो अजिंक्या हाउस 45,000 टू अश्विन, 12 July को अश्विन रिसीव किया क्रॉस चेक और ₹15,000 और बैलेंस जो बचा उसके लिए बिल मिला, बैलेंस कितना बचा 45,000 - 15,000 30,000 का बिल मिला, हमारी पहली एंट्री बिल की और जो पैसे मिले उसके, उसके बाद उसने डिस्काउंट किया 15% पर एनम में ऑन द सेम डे, जनरल ट्रीज देनी है सेम वेटिंग कंडीशन ऑनर डिसऑनर डिसऑनर लोडिंग चार्जेस। अब सम स्टार्ट करने से पहले दो चीजें यहाँ पे क्लियर करनी है, ड्रॉवर ड्रॉवी तो किया हमने ड्यूडेट 12 July का बिल था 3 महीना फिर 3 days ग्रेस के, तो हमारा ड्यूडेट कब आएगा 15 October, ये पहले निकाल के रख लेने का क्योंकि सम स्टार्ट कर देना है सिर्फ जनरल ट्रीज करनी रहेगी। दूसरा डिस्काउंट किया 15% पर एनम किया, मैंने अभी आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला दिखाया था, 30,000 का बिल है 45,000 उसमें 15 को ऑन द स्पॉट देगा तो बिल तो 30,000 का ही बना के देगा, तो 30 का बिल है 15% पूरे साल का है, हमको कितना चाहिए सिर्फ 3 महीने का। अभी बोलेंगे वो 3 days ग्रेस के भी काउंट करने पड़ेगी, वो यहाँ पर लोग नहीं कंसिडर करेंगे, तो छोटा मोटा डेज में ना फ्रैक्शन का आएगा, तो 3 month क्लियर नहीं आया ना तो 3 month का ही काउंट करना, डेज वाला आएगा आपके साथ में, तो 3 / 12 आपको डिस्काउंट मिला 1125। अभी सबसे पहली एंट्री हम लोग ने फॉर्मेट बनाया, लोगों के बुक में साथ में बनाना है फॉर्मेट, पहली एंट्री करेंगे 12 July 2019 की 12 July। अब जो ये ड्रॉवर है उसको दो चीजें मिल रही, तो बिल भी मिल रहा है सिर्फ चेक भी मिल रहा है, ये क्या लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट विद रिसीविंग अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहा है इसको अजिंक्या, बैंक में मिला 15,000 तीसरा का बिल मिला तो दोनों मिलाकर इसको 45,000 अजिंक्या से मिला, तो मिल गया। यहाँ पर बी क्रॉस चेक सॉरी क्रॉस चेक एंड एक्सेप्टेंस रिसीव,
लॉजिंग किया है, दोनों चीजें दे रहे हैं, उल्टी करनी है सर को, जिसको दे रहा है अश्विन को, अश्विन अकाउंट है टू बैंक अकाउंट उसको देना था 45,000, 15,000 का चेक किया और 30,000 का बिल दिया। ये एडिशन क्या किया, बी क्रॉस चेक एंड एक्सेप्टेंस, ये बुक। अभी नेक्स्ट एंट्री डिस्काउंट, तो डिस्काउंटिंग एंट्री से ट्रॉवल ट्यूब में ही आती है क्योंकि ट्रॉवी को कुछ लेना देना नहीं, या फिर डिस्काउंट करो क्या करो। तो नेक्स्ट सेम डेट पे एंट्री नहीं है 12 जुलाई, जैसे इसको बिल मिला है सीधे एयर टाइम के पास डिस्काउंट, जिसको पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नुकसान और उससे बिल डिस्काउंट अभी उन्होंने कैलकुलेट किया है 1125, बिल कितने का था 30,000, तो भी उसको बैंक से पैसा कितना मिला होगा 30,000 माइनस 1125। इसको मिल गया ड्यू बिल डिस्काउंटेड। अभी ड्यू डेट आएगी 15 अक्टूबर, अभी इसके केस में हम लिख देते हैं यहाँ पे तो एंट्री नहीं होगी, 12 जुलाई तो सर नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट सिर्फ कन्वीनियंस पर्पज के लिए यहाँ पे लिख देते हैं नो एंट्री, क्योंकि इसके यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। अभी फर्स्ट केस है, मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट लिखना है ऑनर, अब ऑनर हो गया तो ड्रॉवर को तो कुछ नहीं लेना, बिल भी नहीं है, ड्रॉवर का सर्विस मिल चुके तो क्या हो जाएगा लो एंट्री। इस केस में अभी हम लोग डेट तो लिख लेते हैं जस्ट 15 अक्टूबर, फर्स्ट केस ऑनर, यहाँ पर 15 अक्टूबर ऑनर, ये तो एंट्री करेगा, इसको क्या मिला मिस पेबल
लास्ट कंडीशन अगर रोडिंग चार्जेस होगा तो थर्ड प्लस फाइनल सेम डेट सेम कलर एंट्री भी सेम आएगी सिर्फ आपको यहाँ पे अमाउंट बढ़ा देना तो जिनके आप काम करेंगे थोड़ी हेल्प इसके दादा 300 तो यहाँ एंट्री आएगी थोड़ी टाइम 300 इसको बैंक को अश्विन को 3300 दे देना और जिनके से कितना लेना पड़ेगा 3300 मेन एंड बैंक पे टू मेन चार्जेस फाइनल होने के चार्जेस पे कर दिया और उनको ऑफिस को पे कर रहा है यहाँ पर ये भी सेम एंट्री करेगा बस एक नॉमिनल चार्जेस की एक्स्ट्रा एंट्री डालेंगे तो बिल्स फील का अकाउंट होगी नॉमिनल चार्जेस अकाउंट होगी जैसे अब तक पे नहीं किया है पर अश्विन को जब पैसे देगा ना उसके यहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी पे कर अब जनरल पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे लास्ट में टोटल करना ही पड़ेगा तो आपके पहले की जो एंट्रीज है और अभी का है उन सबका कर कराकर एक यहाँ पर टोटल देते हैं सेम दोनों के रूप में यहाँ पर टोटल कंप्लीट कर अब ये हो गया हमारा बिल डिस्काउंटेड नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं वो होगा एंडोर्समेंट तो अभी तक हमने रिटेन किया डिस्काउंट किया फिर एंडोर्समेंट यहाँ तक एक बार ठीक से रिवाइज करके मेरे को प्लीज मैसेज कर देना अगर कुछ डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करती हूँ।